So guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing amazing. अब हमारी लाइफ का एक और नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी है हमारे बैग्स पैक, बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। भाई साहब हमारे आज ड्राइवर है, तो हमें एयरपोर्ट शॉपर जो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो रास्ते में चल के सारी बातें करते हैं, अभी फिलहाल लेफ्ट से निकलते हैं, बाहर का मौसम चेकआउट करते हैं कैसा है। तो गाइस फाइनली आ गए हम एयरपोर्ट। करण निकाल रहा है अपना बैग, है मेरा अपना बैगेज, ट्रॉली तो चाहिए अपन लेके आता, वैसे जरूरत नहीं है, इनके नीचे टायर दिए तो बहुत ज़्यादा बैगेज है नहीं। और फाइनली अभी मॉर्निंग का क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 4 बजने वाला है, हमारी फ्लाइट है 6:30 बजे की। कहाँ की है वो अंदर चल के बताता हूँ, बहुत ही एक्साइटमेंट भरा ट्रिप है और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। फाइनली आधा घंटा लग गया हमें, हमारा बोर्डिंग पास मिल गया। इट वॉज सो क्राउडेड, ऐसा लगता है बस अड्डे आ गया यहाँ पे। मतलब आधे घंटे से ऊपर मेरे को सिर्फ चेक इन बोर्डिंग पास करने मिला है। अभी देखते हैं वेदर वी विल बी एबल टू बोर्ड दी फ्लाइट और नॉट। 2-2.5 घंटे का डिफरेंस ही रह गया, इट्स ऑलरेडी 4:30 नाउ एंड आवर फ्लाइट इज एट 6:20। और हम कहाँ जा रहे हैं फ्लाइट में बैठ के बताते हैं। सो गाइस फाइनली इमिग्रेशन क्लियर हो गया, अंदर से एयरपोर्ट कुछ ऐसा सा नज़र आ रहा है। और वी वांटेड टू डू सम शॉपिंग बट आई थिंक वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, इट्स ऑलरेडी 5:00। वी आर सपोज टू चेक इन टू द फ्लाइट, बाकी बातें हम रास्ते में चलते हुए करते हैं, बिकॉज आज का दिन बहुत ही लंबा रहा है ऑलरेडी। और क्या क्या हुआ है वो मैं सबको सारी डिटेल चीज़ें बताऊँगा। इमिग्रेशन में कुछ खास हुआ नहीं, क्या हुआ वो इसी वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। सो गाइस फाइनली आई थिंक वी आर अबाउट टू रीच अ गेट। इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा कुछ टाइम लगा नहीं, मेरे आसपास वालों से बहुत कुछ पूछ रहे थे, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, बट आई वाज लकी, आई थिंक देयर इज नॉट आस्किंग एनीथिंग। हमारा इमिग्रेशन टुक हार्डली 1 or 2 मिनट्स, देन द चेक इन आल्सो, आई मीन द सिक्योरिटी चेक आल्सो डिड नॉट टेक मच ऑफ टाइम। सो हम जल्दी जल्दी फ्री हो गए, आई थिंक वी वर ऑलरेडी लेट बट अपॉर्चुनिटी, अब हम ऑलमोस्ट 1 घंटा जल्दी पहुँच गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट 5:30 नाउ। फ्लाइट में बैठ के बताता हूँ ट्रिप का क्या एक्सपेंस है, फ़्लाइट कितने में बुक हुआ, सारा कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और भी बहुत कुछ है जो धीरे धीरे बताते रहेंगे, अभी जाके दिखाता हूँ बोर्डिंग करते हैं प्रॉपर से। सो गाइस फाइनली द फ्लाइट बोर्डिंग हैज स्टार्टेड। आज देखो अब यहाँ से 4:30 घंटे की फ़्लाइट है, वी आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू फुकेट। चेक इन इमिग्रेशन जो हुआ वो स्मूथ था जैसे मैंने बताया, बट अब काफ़ी देर हम इधर उधर घूम आए, वी आर वेरी टायर्ड। आई थिंक वी एंटर्ड द एयरपोर्ट अराउंड 2:30 or 2:00, now it's almost good 5:30, 5:40, 6:20 is up flying time. Finally entered the flight, ho gaya boarding 8 minute pehle 6 baje se. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रॉम फीफी गाइज, आई होप यू गाइज डूइंग अमेजिंग एंड एब्सोल्युटली फाइन। कल का व्लॉग मैं बीच में ही मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाया, मेरे को बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी जो मैं कर नहीं पाया। अब इस व्लॉग में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा और फीफी घुमाऊंगा साथ में। ये वो होटल है जो हमने चेक इन करा था, फीफी टॉप व्यू रिजॉर्ट। हमें कुछ मतलब यहाँ को लेके, रिजॉर्ट्स को लेके मेरे को काफ़ी कुछ बताया गया था कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाय प्रतिका, हाय। आइडली हम ना मैप पे जब आ रहे थे तो मैप पे इस रास्ते से ऊपर निकल गए थे, बिकॉज मैप से ये वाला रास्ता हमें दिखा रहा था हमारे होटल का, और ऊपर भी कोई होटल थी। कृतिका तो देख के ही बोली यार ये कहाँ ले आए। अब हम चलते हैं फीफी की वॉक पे। तो कल फेरी से हम जब यहाँ पर आए, फेरी टुक 1200 baht फॉर दिस ड्रॉप, इसके आगे हमारे को 13-14 मिनट पैदल चलना पड़ गया। काफ़ी होटल जो हैं वो आपको पिकअप भी देते हैं ऐसे, बट हम काफ़ी देर बर्गर किंग में बैठ गए, so we took a lot of time there also, इस वजह से we could not do anything। और यहाँ होटल्स को लेके so we have stopped by at Charlie's coffee point or pizza point something like that। यहाँ पे हम कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट करने का प्लान है हमारा। कुछ कुछ ऑर्डर करा आता है तो दिखाता हूँ क्या टेस्ट है कैसा है वो भी बताता हूँ। आज जिम की यहाँ कार्ड चलता है कि नहीं चलता, तो ही वॉज ऑल्सो लाइक कि नहीं सर कैश ओनली। डेविड वी फाइनली गॉट अ कैप कॉफ़ी, थोड़ी सी कॉफ़ी अंदर जाएगी तब दिमाग चलेगा मेरे को लगता है। सो गाइज फाइनली वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट, दो कॉफ़ी वॉज वेरी नाइस बट ये पिज़्ज़ा वॉज नॉट रियली ग्रेट। मेरे को लग रहा है फूड से एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया मेरा यहाँ का। अभी देखते हैं बिल कितना आया। 480 baht वॉज द बिल, एक पिज़्ज़ा 3 कॉफ़ी, आई थिंक डिसेंट है, 1000 rupees, 1200 rupees, तो डिसेंट आई फील लाइक। खाना मेरे को रात को भी इतना महंगा नहीं लगा था, बाकी चीज़ें होटल एक तो लास्ट मिनट करा तो बेकार होटल भी बहुत महंगे मिल रहे हैं।
सो इफ़ यू कमिंग, हमें जो मैंने जो गलती करी थी कि आई एम नॉट श्योर कि कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा टाइप। तो गाइस हर तरफ भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे, जहाँ जा रहे हो वहाँ पे भीड़ है। और ये है कुछ पीसी आइलैंड की गलियाँ, जहाँ से लेफ्ट जाके था ना बीच, ये पिज़्ज़ा कॉर्नर से लेफ्ट जाके इट वाज़ द बीच। हाँ ये बीच वाली लेना जहाँ से फ्रीडम बार और सब कुछ आता है। सो गाइस जैसे हमें वीडियो में दिखाया जाता है नदीवी का बीच एंड सो एंड सो थिंग, यहाँ पर आके देखो रियलिटी पता लगेगी। मतलब द एक्सपेक्टेशन वाज वे वे टू हाई, बट यहाँ आने के बाद तो पूरा सैडनेस हो गया, गंद है और टू डर्टी है ऐसा। मतलब खाना भी बहुत अमेजिंग नहीं मिला अभी तक हमें। तो फीफी से जो हाई एंड एक्सपेक्टेशन थी ना, वो दैट ट्रांसपेरेंट वाटर एंड सो थिंग, वो सब ख़त्म हो चुका है मेरे को लगता है। कट गया टाइप फीलिंग आ रही है वैसे, यहाँ से पैदल चलते हुए वहाँ आगे जा रहे हैं बीच के नाम पे, यहाँ पर होना चाहिए था। रात को आए थे तो हम पानी यहाँ पे था, पानी इतना आगे चला गया। फीफी जाऊँगी, फीफी देखना है, फीफी फीफा हो गया हमारा। आई नो कल हमारा प्लान है कि हम माया पे टूर करें, लेट्स सी कैसा होता है। अभी रात को माया पे टूर की कॉस्ट भी बताता हूँ। यहाँ से कोलांता गोसुमाई के लिए भी जाते हैं, बट बहुत लंबा ट्रैवल है, तो आई एम नॉट थिंकिंग आई विल डू दैट। यहाँ से सुबह 9 बजे निकल के शाम को 5 बजे चाय वहाँ पहुँचेंगे, विच इज़ लाइक टू फार। देखते हैं अगर कल हमारा माया बे और फोर आइलैंड टूर हो जाता है तो देन वी विल हेड टू कोलांता विच टेक्स हाफ एन आवर फ्रॉम हेयर, और आगे चल के देखते हैं बीच कैसा लग रहा है। मतलब बीच तो यहाँ पे होना चाहिए था, एटली बोट्स आगे रह गए, बीच पर पानी पीछे निकल गया टाइप्स हो गया। गाइस ये है फीफी, दिस इज फीफी आइलैंड। सो जैसे हमारा कटा, अगर आपका भी प्लान है तो कटवाना मत इंस्टाग्राम देख के। आई थिंक वी विल बेयरली स्टे टुडे, और कल अगर बोट टूर का सीन नहीं बना तो हम निकल जाएंगे यहाँ से, कोई इंटरेस्ट नहीं है। पानी साफ है पर नीचे पूरा रेत है। हाँ देर इज़ नो व्यू यार, देर इज़ नो व्यू है, कोई स्विमिंग के लिए भी कुछ फन नहीं है यार। स्विम कैसे करेगा आदमी, मस्ती कैसे लेगा बीच शायद। ये पूरा वहाँ आगे जाके पीछे अच्छा थोड़े से, अब मेरे को ये भी नहीं पता हम सही साइड हैं कि नहीं है, जाके चेक करते हैं थोड़ा सा। बट आई फील लाइक सारी शैक्स यहाँ पर हैं तो बीच भी यहीं होना चाहिए, बीच इज देयर ओनली, लोग भी नहीं आए। सो फाइनली वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द बीच। बहुत मज़ा तो आया। नहीं कौन से लेनी है, आई थिंक दिस इज ईजी बट दिस इज स्मॉल फॉर यू। प्रतिका शॉपिंग कर रही है अपनी चप्पलों की यहाँ पे, तो फाइनली प्रतिका ने चप्पल ले ही ली अपनी 200 बार, जो मेरे को लगता है एक्सपेंसिव है वो इंडिया के हिसाब से है। प्रतिका प्रतिका लगी हुई दिल्ली की तरह, दिल्ली की तरह नेगोशिएशन कर रहे हैं, गोवा की तरह 150 फाइन चीज लगे तो मूवी बना लिया, नहीं नहीं दूंगी मैं। बड़े बड़े केकड़े भाई साहब, हाथ डाल दे इसके अंदर। बस इसी की गलियों में घूम रहे हैं, कोई काम वाम है नहीं हमें। और आइडली ये मेडिकल सेंटर, कॉफी वॉफी बार बार के लिए तो अच्छी चिल आउट जगह है ये, और बीच छोड़ दो यहाँ पे आने के बाद। हो सकता है वी आर नॉट एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम है। आई डू वांट टू एंजॉय प्राइवेट एरिया और कैफे, देन बीच इज नाइस। या यहाँ से अंदर जाके रास्ता बहुत ही अमेजिंग हो जाता है, बट यहीं पर बीच खत्म हो जाता है। इस आइलैंड पे यही अच्छी चीजें दिख रही है। बस ये यहाँ पे रेस्टोरेंट में बियर और अल्कोहल के रेट है, बाकी फूड मैंने खोल के दिखाता हूँ। अभी नियर टू रिमले रिजॉर्ट, ऐसी सी कुछ जगह है, दिस इज रिमले। और यहाँ से बाहर ये व्यू है, जो देखा था वैसा कुछ नहीं है, बट हम थक गए तो वी थॉट हम बैठ के आराम से थोड़ा चिल करें। ये भाई साहब ये यहाँ पे फूड मेन्यू और प्राइजेज हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई प्राइजेज नहीं है। इट्स लाइक हमारे इंडिया में जैसे आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स पे जाते हो वैसे ही प्राइजेज हैं यहाँ पे भी। भाई दिन में तो इतना अच्छा लग नहीं रहा था फिर भी, अभी थोड़ा सा मज़ेदार लगने लगा, चिल आउट सीन हो गया है। आई मीन वी आर सिटिंग हियर फ्रॉम आफ्टरनून और अब जाके कुछ ऐसा सीन है। अभी मैं आपको नाइट लाइफ दिखाता हूँ फिर की कैसी है, राइट। और डोंट बी सरप्राइज जब आप होटल बुक करो और आपको जाके कुछ और मिले, बिकॉज हमारे साथ वही हुआ था। बट वी वर लाइक लेट इट बी, वी वर सो टायर्ड वी डिड नॉट बॉदर अबाउट कि रूम कैसा है कैसा नहीं है। विल शो यू व्हाट वी बुक्ड एंड व्हाट वी गॉट।
हाँ उसने रूम रेट्स में डिस्काउंट कर दिया बिकॉज ही डिड नॉट हैव दैट रूम अवेलेबल मोर, बट ठीक है अभी लोग चिल करने बैठ गए हैं यहाँ पर। आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या क्या सीन है, मेन चिल कहाँ हो रहा है, मेन पार्टीज कहाँ पे हो रही है वो सारी जगह दिखाता हूँ, और आपको एक एक चीज़ का प्राइस भी बताता हूँ कहाँ पे क्या कितने का आ रहा है। ये सब कुछ टोनसाई बे के साथ साथ है, यहाँ से ये बे है, आगे टोनसाई पियर है और यहाँ पे सब चल रहा है। हाँ दिस इज नाइस है, आगे चलते चलते पूरा फीफी दिखाता हूँ रात को कैसा लगता है। बट रात को फीफी इज गुड फॉर नाइट लाइफ, आई फील लाइक हम रात को चिल कर सकते हैं। यहाँ पे रुकने का प्लान था पहले हमारा। ये पूरी शॉपिंग मार्केट है गाइस, नाइट लाइफ और शॉपिंग मार्केट दोनों बहुत अमेजिंग है। ये है यहाँ पे बॉक्सिंग होती है इस पार्क के अंदर, स्पेशली नोन यहाँ पर रात को लोग बॉक्सिंग चेक करने आते हैं। सो गाइस दिस इज द स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड में खा के बताऊंगा कैसा लगा, अभी फिलहाल बुक नहीं है। यहाँ वॉफल्स मिल रहे हैं स्ट्रीट फूड में। सो गाइस ये रहा हमारा होटल, मैंने सोचा दिन में तो फीफी बहुत घुमाया आपको, अब जाके रात को घुमाता हूँ। इसमें टॉप पे हमारा वो है पूल है, वो कल देखते हैं टाइम मिला तो जाने का, बिकॉज कल के लिए आई थिंक विल बुक वन डे टू टू ऑल दी आइलैंड्स। आगे इस गली से बाहर निकल के इट इज़ दी पार्टी लेन और दी रेस्टोरेंट लेन, वहाँ जाके खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है अभी। सो गाइस यहाँ से हमने करा लिया अपना आइलैंड टूर बुक 507 पर पर्सन, 9:40 इन द मॉर्निंग हमें जाना है। काफी सारे आइलैंड्स पे दे विल टेक अस, आई मीन सम व्हाट एवर द आइलैंड टूर है, जितने बहुत सारे आइलैंड्स में नाम दिया रखा मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज माय बे वाइकिंग एंड सम अदर्स। देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि अब ये सब बुक करते हैं, कल और रुकते हैं एंड परसों यहाँ से किस नए आइलैंड पे चलते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको कल बताएंगे। सो गाइज आज हम लोगों ने आपको पूरा फीफी ऑलमोस्ट घुमा दिया, नाइट लाइफ डे लाइफ बीच लाइफ जो जो था सब दिखा दिया, जो जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो मैं कल डिस्कस करता हूँ। कल चल रहे हैं बीच और बोट टूर पे, सारे आइलैंड दिखाता हूँ। 500 रुपये में जो हमने बुक करा है उसमें खाना वाना इंक्लूडेड है, 400 रुपये का एक और फीस लगता है विच इज़ नेशनल पार्क फीस, विच आई एम नॉट श्योर हम जाएंगे नहीं जाएंगे, वो रियल टाइम बेसिस पर डिसाइड करेंगे। हाँ फिलहाल आज के लिए लेते हैं विदा और थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, keep subscribing, keep liking it. If you have any doubts about Fifi or you want to know anything about it, you can ping me on, you can comment.